कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला किया है, वहीं भाजपा की यात्रा को रोकने की कोशिशों को भी नाकाम किया है। तो क्या खास हुआ न्याय यात्रा में आज, भाजपा ने की कौन सी साजिशें और कैसे राहुल ने दिया अनूठा जवाब, सब कुछ जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। न्याय यात्रा का आज 30वां दिन है। आज ये यात्रा छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह सीतामढ़ी चौक से यात्रा का आगाज किया, ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने ओबीसी, जीएसटी, अग्निवीर योजना को युवाओं से छल बताते हुए मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने मोदी राज में जीएसटी नोटबंदी से पूंजीपतियों को फायदा बताते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 74% आबादी वाले ओबीसी, दलित, आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। वहां बड़े बड़े पूंजीपति और फिल्म स्टार गए, लेकिन एक भी गरीब इंसान वहां नहीं दिखा। एक किसान, एक मजदूर, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा। आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नेता ने प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और छुरी कला नगर पंचायत में कोसा बुनकरों से मुलाकात की। कोसा मार्केट की छुरी में यात्रा का स्वागत समारोह हुआ। भाजपा शासित राज्य में यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा, जिसे देख विष्णुदेव साय सरकार में घबराहट बढ़ गई है, जिसके बाद न्याय यात्रा को भंग करने के इरादे से भाजपा के कार्यकर्ता भी सामने आए। लेकिन जननायक के तौर पर उभरे राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के आगे उन्होंने भी हार मान ली। यात्रा के दौरान हसदेव बचाओ आंदोलन से जुड़े उमेश्वर सिंह सिगार से भी राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने मुलाकात की। सचिन पायलट ने कहा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा रही, उसका असर पूरे भारत पर पड़ा था, इसलिए पूर्व से पश्चिम तक की एक और यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। हर वर्ग का समर्थन यात्रा को मिल रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।